नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण आर्या। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी आ रहे। इस दौरान उनके कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रमुख निजी सचिव मोहन चंद्र जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 10:30 बजे GTC हेलीपैड देहरादून से प्रस्थान करेंगे, जिसके बाद सुबह 11:30 बजे वो गोलापार स्टेडियम हेलीपैड हल्द्वानी पहुंचेंगे, जिसके बाद सुबह 11:45 पर मुख्यमंत्री गोला बाईपास के पास आंवला चौकी हल्द्वानी में सीवरेज ट्रीटमेंट लीगेसी वेस्ट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वो दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक काठगोदाम सर्किट हाउस में से भाजपा पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भेंट वार्ता करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:00 बजे से CM सर्किट हाउस काठगोदाम में जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक और विचार विमर्श करेंगे। वही कार्यक्रम के बाद दोपहर मुख्यमंत्री गोलापार स्टेडियम से हेलीपैड हल्द्वानी से अस्थायी हेलीपैड लोहरिया हेड खटीमा उद्यम सिंह नगर को प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री धामी के हल्द्वानी दौरे की तैयारियों में जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटे हुए हैं, जिसके चलते बीते दिन SDM हल्द्वानी मनीष कुमार, मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट और थाना अध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी ने गोलापार बाईपास रोड पर बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर CM धामी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि आज होने वाले CM के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री कई सौगात भी दे सकते हैं। फिलहाल की हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।